की, क्योंकि लोकसभा का चुनावी घमासान जारी है और इसी बीच में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर में जनसभा करेंगे। वो यहां अजमेर से बीजेपी उम्मीदवार भागीरथ चौधरी और नागौर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्योति मिर्धा के समर्थन में ये सभा करेंगे। हालांकि भागीरथ और ज्योति दोनों ही विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है, या यूं कहें कि बीजेपी ने भरोसा जताया है। इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार जाट जाति से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पुष्कर की धरती से किसान कौम को साधने का भी काम करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट है, वो देखिए। अब की बार 400 पार और मरुधरा के मिशन 25 को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से प्रचार में जुटे हुए हैं। कोटपुतली और चुरू के बाद शनिवार को अजमेर के पुष्कर में पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुत ही प्लानिंग और कूटनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की सभा के लिए पुष्कर को चुना है। इसके जरिए दो लोकसभा क्षेत्र को सीधे तौर पर साधने की रणनीति है। एक मेरवाड़ा कहे जाने वाले अजमेर की धरती, तो वहीं दूसरी तरफ जाटलैंड कहे जाने वाले नागौर की धरती। अजमेर से ही सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था। वहीं नागौर की धरती से ही सबसे पहले देश में पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश किया गया था। इसके साथ ही अजमेर और नागौर दोनों ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद खास है। ऐसे में ब्रह्मा की धरती तीर्थराज पुष्कर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट आती हैं। इसमें अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, दूदू, मसूदा, नसीराबाद, पुष्कर, केकड़ी सीट पर भाजपा का कब्जा है, जबकि किशनगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। किशनगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन भागीरथ चुनाव हार गए। वो तीसरे स्थान पर रहे। रघु शर्मा, राकेश पारीख, नसीम अख्तर, महेंद्र रलवाता समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज चुनाव हार गए। बीजेपी से कांग्रेस में आए विकास चौधरी ने लाज रखी। अजमेर लोकसभा सीट का इतिहास। अजमेर लोकसभा सीट पर 1989 से पहले कांग्रेस का ही दबदबा रहा, लेकिन इसके बाद से अजमेर सीट की राजनीतिक फिजा बदल गई। 1989 से 2019 तक 10 लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव में कांग्रेस को मात्र 3 बार ही जीत मिली है, जबकि भाजपा यहां से 7 बार जीत कर आई है। 1977 में अजमेर से बीजेपी उम्मीदवार श्री करण शारदा चुनाव जीते थे। इसके बाद 1989 से 1998 तक 3 बार हुए लोकसभा चुनाव में रासा सिंह रावत ने तीनों चुनाव जीते। 12वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से डॉक्टर प्रभात ठाकुर ने जीत दर्ज की। करीब एक वर्ष बाद ही 1999 में हुए चुनाव में रासा सिंह रावत ने इस सीट पर फिर से वापसी की। 2004 में हुए चुनाव में भी रावत ने भाजपा का परचम फहराया। रासा सिंह रावत यहां से सर्वाधिक जीतने वाले बीजेपी सांसद रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर सांवरलाल जाट चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री भी बने। पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी के भागीरथ चौधरी जीते, इसीलिए फिलहाल अजमेर लोकसभा सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दिया। भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से विधानसभा चुनाव का टिकट भी दिया था, लेकिन भागीरथ चौधरी विधानसभा चुनाव हार गए थे। वहीं कांग्रेस ने खांटी जाट नेता और अजमेर डेयरी के सिरमौर रामचंद्र चौधरी को चुनावी समर में उतारा है। रामचंद्र चौधरी विधानसभा के कई चुनाव लड़ चुके, लेकिन जीत कभी नहीं मिली। अब रामचंद्र चौधरी को एक अदद जीत की तलाश है। अजमेर लोकसभा सीट जाट बाहुल्य सीट है। यहाँ पर गुर्जर, ब्राह्मण, रावत, मुस्लिम, एससी वर्ग के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। वहीं बात करें नागौर की, तो साल 1977 के चुनाव से लगातार नागौर लोकसभा सीट पर जाट वर्ग का उम्मीदवार ही जीतता आया है। नागौर जिले में नागौर और राजसमंद दो लोकसभा क्षेत्र लगते हैं। नागौर के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से मेड़ता विधानसभा क्षेत्र राजसमंद संसदीय क्षेत्र में आता है। जिले के बाकी 9 विधानसभा क्षेत्र नागौर संसदीय क्षेत्र में आते हैं। पिछले 4-5 दशक से नागौर सीट पर चुनाव में अधिकांश मुकाबले जाट उम्मीदवारों के बीच होता रहा है। नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ी और हार गयी। हालांकि ज्योति एक बार कांग्रेस से सांसद रह चुकी है। किसान मसीहा कहे जाने वाले
पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा इस बार फिर से मैदान में उतरी हुई है। साल 1990 में नाथूराम मिर्धा ने जनता दल और शेष चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीते। इमरजेंसी के वक्त पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नाथूराम मिर्धा ही जीते थे। नागौर से सर्वाधिक चुनाव जीतने का रिकॉर्ड नाथूराम मिर्धा का ही है। उनके निधन के बाद साल 1997 में हुए उपचुनाव में उनके पुत्र भानु प्रकाश मिर्धा बीजेपी प्रत्याशी के रूप में जीते और पहली बार बीजेपी का खाता खुला। उसके बाद साल 1998 और 1999 में कांग्रेस के राम रघुनाथ चौधरी, 2004 में भाजपा के भंवर सिंह डांगावास, 2009 में कांग्रेस की ज्योति मिर्धा ने चुनाव जीता। साल 1984 में रामनिवास मिर्धा ने लोकसभा चुनाव जीता था। नागौर से पहला लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीडी सोमानी ने जीता था, दूसरा चुनाव कांग्रेस के मथुरा दास माथुर और तीसरा लोकसभा चुनाव कांग्रेस के एनके सोमानी ने जीता। 2014 में बीजेपी के टिकट पर सीआर चौधरी जीते और केंद्र में मंत्री भी बने। विधानसभा चुनाव में नागौर की 10 सीटों में 4 सीट पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस और 2 सीट पर अन्य प्रत्याशी जीते। नागौर से कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा, लाडनू से कांग्रेस के मुकेश भाकर, मकराना से कांग्रेस के जाकिर हुसैन गैसावत, पर्वतसर से कांग्रेस के रामनिवास गावडिया, जायल से भाजपा की मंजू बाघमार, मेड़ता से भाजपा के लक्ष्मण राम मेघवाल, डेगाना से भाजपा के अजय सिंह किलक, नावा से भाजपा के विजय सिंह चौधरी ने जीत हासिल की, जबकि डीडवाना में यूनुस खान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी चेतन डूडी को हराया। नागौर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर एससी वर्ग और जाट, राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम, कुमावत, माली सहित अन्य जातियां भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अजमेर के साथ ही नागौर को साधना बेहद अहम है। नरेंद्र मोदी चुरू के बाद अजमेर में हुंकार भरेंगे। अजय मेहरू और तीसराज पुष्कर की धरती से नरेंद्र मोदी का शंखनाद अजमेर में भागीरथ चौधरी और नागौर में ज्योति मिर्धा को मदद कर सकता है। किसान कम्युनिटी के ये दोनों चेहरे बीता विधानसभा चुनाव हार गए थे, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया और अब उस भरोसे की अग्नि परीक्षा सामने आ चुकी है। खुद नरेंद्र मोदी मदद करने के लिए दोनों के समर्थन में खड़े हैं और हुंकार भर रहे हैं उस धरती से जिसका राजनीतिक मिजाज पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है, या यूँ कहे पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही इन दोनों सीटों पर फतह करती हुई आ रही है। यह अलग बात है कि अतीत में कांग्रेस का यहाँ जलवा था। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।